मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया है और यह शिवराज सरकार की चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। यह बजट 3,14,025 करोड़ रुपए का है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री 1 घंटा 50 मिनट बोले। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट पेपरलेस बजट आया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा और मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए थे। बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में 1.2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया। फर्स्ट डिवीजन में 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से यह नीति लागू हो जाएगी।